नमस्कार, टीवीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। खबर श्री गंगानगर के श्री विजयनगर से है, जहां निकटवर्ती गांव 17 GB के पास हुई लूट की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। गौरतलब है कि गत 21 जून को अज्ञात बाइक सवारों ने फाइनेंसर कंपनी के कर्मचारी से लूट की थी, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने लूट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी रामेश्वर लाल बिश्नोई ने बताया कि आरोपी गांव 18 GB के अन्नपूर्णा फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की कई दिनों तक रेकी की, जिसके बाद आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 21 जून दोपहर को गांव 17 GB के पास कर्मचारी को पिस्तौल दिखाकर बैग सहित 15,000 रुपये लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने रविवार को मुख्य आरोपी मनप्रीत सिंह को जैतसर थाना क्षेत्र के 5 की पुलिया से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। 17 GB नहर पुलिया के पास फाइनेंस एजेंट के साथ 15,514 रुपये की लूट हुई थी। उस लूट को श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री गंगानगर के निर्देशन में थाना स्तर की टीम एकत्रित करके और मात्र 7 दिन में खुलासा किया गया है, जिनमें से एक अभियुक्त मनप्रीत सिंह को लापता गिरफ्तार किया जा चुका है, 2 अभियुक्त कोरोना के चलते करीब 4 माह से बंद रेल संचालन एक बार फिर से गति पकड़ने लगा है, लेकिन रेलवे अभी भी यात्रियों को सुविधाओं के नाम पर तरसा रहा है। रेलवे ने जयपुर मंडल के जयपुर, गांधीनगर, दुर्गापुरा रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए सेकेंड एंट्री गेट को पिछले 4 माह से बंद कर रखा है। ऐसे में लोगों को करीब 2 किलोमीटर का अलग से चक्कर काट कर स्टेशन आने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं स्टेशनों पर बने एस्केलेटर, लगेज स्कैनर मशीन, DFMD मशीन पिछले लंबे समय से बंद पड़ी है। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने जयपुर रेलवे स्टेशन का दौरा किया था और GM ने खुद अधिकारियों से कहा था कि जब सुविधा दी गई है तो उसे बंद किया जाना गलत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रियों को हर संभव मदद और सुविधा मुहैया कराना ही रेलवे का कर्तव्य है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में शहर के हृदय स्थल पर हो रहे अवैध निर्माण को नगरपालिका द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 40 लवारों की गली में हो रहे अवैध निर्माण को JCB की मदद से नष्ट किया गया है। गौरतलब है कि पूर्व में भी स्थान पर कई भू माफियाओं ने कब्जा करने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि पालिका ने पहले से यहां अपनी संपत्ति होने का बोर्ड लगा दिया था। वहीं बोर्ड लगे होने के बाद भी मालिकाना हक जताने वालों ने निर्माण करवाया। इस दौरान नगरपालिका SI मनिंदर सिंह ने बताया कि दस्तावेज न दिखाने की एवज में निर्माण कार्य को हटाया गया है। उक्त भूखंड में पूर्व में नगरपालिका का संपत्ति का बोर्ड लगा हुआ था। कल अज्ञात व्यक्ति द्वारा यहां पर चार दीवार निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया, जिनको रोकने के बावजूद भी निर्माण कार्य रोका नहीं। बिना निर्माण स्वीकृति पालिका जमीन पर उनके द्वारा जो अतिक्रमण किया जा रहा था, इस संबंध में दीवार अतिक्रमण हटाया गया है। इस संबंध में कोई भी भूखंड के अगर यदि उनके पास कागज थे तो उनसे कल मांगे गए थे, परंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किए गए। दस्तावेज नहीं दिखाए, आज दिनांक तक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, इस वजह से ये दीवार तोड़ी गई है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ CRPF कैंप में 2 साल बाद नव आरक्षियों का प्रशिक्षण शिविर सोमवार को शुरू हुआ। जानकारी के अनुसार 44 सप्ताह के बुनियादी प्रशिक्षण में 704 नव आरक्षी भाग ले रहे हैं। इस दौरान संस्थान के सर्वधर्म प्रार्थना स्थल पर सभी धर्मों की प्रार्थना का आयोजन किया गया। कमांडेंट महिपाल सिंह शेखावत ने बताया कि इस 44 सप्ताह के कठोर बुनियादी प्रशिक्षण शिविर को पूर्ण करवाने के लिए संस्थान में उत्कृष्ट एवं योग्य प्रशिक्षकों की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण में जवानों की शारीरिक दक्षता को विकसित करने के साथ ही योगा वे बिना हथियार की लड़ाई भी इन्हें सिखाई जाएगी। वहीं कमांडेंट ने बताया कि मार्च 2019 को आखिरी प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था, जिसमें 179 नव आरक्षियों ने भाग लिया था। 28 तारीख को 704 कुल नव आरक्षी हैं, जो 2018 के अंदर में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू CRPF में जो भर्ती हुई है, उन कॉन्स्टेबल्स की ट्रेनिंग आज से हमने यहाँ शुरू की है। कुल ट्रेनिंग ये 44 सप्ताह की टोटल ट्रेनिंग होनी है और इस ट्रेनिंग के अंदर में उनको सभी तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें फिजिकल फिटनेस, योगा, टैक्टिकल एक्सरसाइजेज, वेपन्स की हैंडलिंग, वेपन्स की फायरिंग की प्रैक्टिस, फिर जंगल की सर्वाइवल और जो रियल लाइफ के अंदर में जो ड्यूटी करनी पड़ती है CRPF के सोल्जर को, उन सभी के बारे में उसको पूरी तरह से बताया जाएगा। साथ ही जब लॉ एंड ऑर्डर को डील करते वक्त जो भी कानून के विषय हैं उनके बारे में भी उनको जानकारी दी जाएगी और अलग अलग स्टेट के अंदर में अलग अलग जगह के ऊपर में जैसे CRPF जहाँ तैनात होती है उन सभी जगह के बारे में
और उन सभी जो मुश्किलात जो देश के सामने हैं उन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी इनको दी जाएगी। जो 704 नव आरक्षी आए हैं उसमें झारखंड राज्य के प्रमुख ज़्यादातर कार्मिक हैं, उसके अतिरिक्त बिहार और से तेलंगाना आंध्र प्रदेश के भी कुछ नव आरक्षी। खबर डूंगरपुर से है जहां शहर के बीच गैप सागर झील में डूबने से 51 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक कोतवाली थाना क्षेत्र के बादल महल पर्यटक स्थल पर गार्ड के तौर पर कार्यरत था। वही मृतक झील में कूदने से पहले 2 सुसाइड नोट लिखकर गया था। घटना की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर में रखवाया। वहीं आज सोमवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। गौरतलब है कि मृतक व्यक्ति राजेंद्र भोई के 2 सुसाइड नोट मिले हैं, लेकिन पुलिस ने मृतक की मौत का कारण आत्महत्या नहीं बल्कि मृतक के पांव फिसलने की वजह से झील में डूबने से बता रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गैप सागर पाल पर बादल महल में एक गार्ड था जिसका नाम था राजेंद्र पिता पन्ना लाल, उम्र 51 साल। वहां ड्यूटी के दौरान उसका पैर फिसलने से अंदर गैप सागर में गिर गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसकी लाश को यहाँ पीएम करवाने के लिए लाए हैं और अभी उसका अनुसंधान जारी है और वजह साफ की जाएगी कि किस हिसाब से इसकी घटना घटी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।